बेबी आ गया और अभी दीदी के हाथों में और मम्मी सब सुना रहे हैं सभी बच्चों के रोकर। अच्छा सबको सुना रहे हैं, दोनों भी देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक ओटी से बाहर नहीं निकली मेरी, इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब वो बाहर आएंगे, लेकिन शायद हो सकता है कुछ इशू के वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं, कहीं ब्लड का कमी ना बता रहे, क्योंकि पिछला बार ऐसे ही हुआ था, अचानक से बोल दिया कि आपको जल्दी से ब्लड का जुगाड़ कीजिए। इस बार अगर कमी हो गया तो तुरंत कहा जाएगा ब्लड को जुगाड़ करने के लिए, इसके लिए फिर हमको जाना पड़ सकता है। लेकिन बस ऊपर वाला से दुआ यही करते हैं, आप सब हमारे बेबी को, आने वाली बेबी को, बेबी को आशीर्वाद दीजिए कि हमें उस तरह की फिर से कॉम्प्लिकेशन ना देखना पड़े जो हम लोग पिछला बार देखे हुए थे। बस आप सबकी दुआ की जरूरत है, वो बस जल्दी से ऑपरेशन से बाहर आ जाए थिएटर ओटी से, और हम लोग बस उत्सुक है देखने के लिए। अभी हमारे दोस्त साहब का चल रहा है थोड़ा सा सेव, कुछ खा नहीं रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही, इतना रात हो गया है फिर भी इनको नींद आ रही है ही नहीं। पिंटू बाबू साहब तक ना थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है खबर, और यहीं पर कहीं बाहर नहीं जाना है, रात ज़्यादा हो गया है ना। ठीक था, क्या बोला अभी तक बाहर नहीं निकला है, लेट होगा अच्छा सब हो गया ना। लेट बोल रही तब लगेगा, आधा घंटा लगेगा, लग जाएगा ना। बाबू रोज जाते बस रास्ते एकदम नहीं जा रहे क्या हुआ, कहे रो रहे कहीं चाचू साथ खेल रहे थे ना, क्या हुआ? रात को डुगू साहब धुआस लगल है, घूम के भी आ रहे हैं चाचू साथे। कहाँ गए थे घूमने? आगे आगे गए थे, यही आँख में आंसू है, घूमने के लिए खाली गाड़ी से चाहिए है? और घूमना है नहीं घूमेगा उनको ना, यहाँ पटपक लग रहा है। घर में क्या था कि हर समय कुछ मिल रहा है। बेबी आ गया और अभी दीदी के हाथों में और मम्मी सब खिलाए जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं दिखाया जाएगा, अभी सरप्राइज है, सरप्राइज है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अभी किसी को नहीं दिखाएगा ना। नहीं नहीं आते शुरू हो गया। नहीं नहीं भूख लगी, भूख लगी। अच्छा हाँ, रोटी खाई कहाँ सुबह में? चलिए दोस्तों आप सबको शायद दुआ काम किया, बेबी आ गया और बड़ा तो खुशी हो रही है कि हम लोग को जो इतना दिन से अब आएगा, आप लोग इतना हम लोग को गाली दिए, कोई आशीर्वाद भी दिए, लेकिन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग सब कुछ हो गया, अच्छा हुआ, आप लोग दुआ धर्म से अच्छा ही आ गया बेबी। बस बहुत दिनों का इंतजार आज जाके पूरा हुआ, करते करते इतना उनका मत हो रहा था ना, ऐसा ना कि हम लोग को समझ में आता क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, कोई दिक्कत हुआ था ना उधर में? अच्छा सबको सुना रहे हैं, सुना दे रहा है। आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे? अब दादी को दी, दादी के बहुत इंतजार था, एकदम एक बोली पर दौड़ ला गए। हम कंपनी से आ गए दौड़ नानी, तो पीछे से दौड़ दौड़ कंपनी से आ गए लाने। हमारा के इंतजार था, हमारा के इंतजार, ओ हो हो हो, तो इंतजार करिए, अभी हम लोग बाद में दिखाएंगे बेबी को, दिखाएंगे थोड़ा सा सबर करिए। नहीं देखिए देखिए रंजन कैसे किस तरह से खिला रहे हैं। अभी के लिए आ गया मेरे बच्चों, सुकून मिला तो इतना वेट करते करते दिखा नहीं।
रात को इतना परेशान किया है और भी जाती है। और हमारे बड़े साहब जो छोटा के दो जो है आए थे रात को, ये भी रात को आए हैं। और बेबी को भूख लगा जोर का, ये ना बाल उंगली में डाल रहे हैं सेम जोर का लक्षण है। बिल्कुल भूख लगा कि इतना जोर का ना बात उंगली डाल रहे हैं। अभी एकदम बदमाशी की जा रही है। क्या हुआ, क्या है, क्या देखिए क्या है, बीजे है दोगो भी देख रहे हैं। देख लिए ना, देख लिया कौन है? नहीं पैसा लगे तो दिखाएगा तुम। चलिए कोई जाके थोड़ा सब जो घुमा लेते हैं। यहाँ चले थे पार्टी चाचा के भतीजा के। ओके बस उतर देंगे मोड़ दियो का लपेट के। कैसे गर्मी लगी होता है ज्यादा मतलब बैठी आए भाई तो गर्मी लगती ना अभी लपेट भाई नहीं अभी है भी। खाली पढ़ावे काहे लेंगे झूठों की गर्मी में हमें बाता गर्मी नहीं रहता ना ना इन लोग का सबसे अच्छा मस्ती है ये। देखिए दोनों का क्या चल रहा है। वाह देख दीदी पकड़ दी सड़कली उपरा कम्बल में खाली बोले तो ही ले आए हम पता नहीं हम थोड़ा ना बोले थे आपको। हम बोले कहीं ठंडा लगता होता है हम खाली हाँ नहीं तो ये कम्बल बोली ना हरा वाला कम्बल ले आइएगा तो भी हम ले आए। हमको नहीं पता कि इतना ठंडा लगेगा तो बड़का कम्बल ले आते और ला देखा सर तब शरीर कमजोर हो जाता है और ला देखा घर से तब जैसे बोले ला देंगे अभी है समय अभी घर से आ सकते हैं नहीं हम घर से ले आते तो छोड़ दिए नहीं तो क्या ना आधी रात को हम लोग घर पे आना पड़ा पानी घर का जो है ना गर्मा के लेकर जाएंगे इसके चलते। और अभी तक हमारे डोगो साहब को नींद नहीं आया है सो भी गई थी बबीता। और कुछ सामान है जो यहाँ से अभी लेके जाना है हम लोगों को। चलिए आइए डोगो चलिए ऋत्विक चलिए अंदर चलिए आइए सही हाँ खुश हो। अब बुआ साथ रहा बेटा ना बुआ साथ रहा चल जाइए बुआ साथ जाइए नहीं उनको तो रहना ही नहीं है। अच्छा ऋत्विक आइए बोलो बात अंधेरा लग रहा है। हाँ अरे बोलते हैं एगो गिलास एगो थाली मुड़ल खाल है एगो चम्मच दो तीन गो सामान है जो कि साइड देना हाँ अभी जाएंगे। टॉमी भी आ गया क्या टॉमी पोछी लगा शुरू कर देता नाम लेते ही बढ़िया 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 गर्मा दुपहरिया चल रहे हैं यार। हो गया सारा सामान ना और कुछ सामान लेना था का चले तब चलिए अपने अभी जाके नींद आ रहा इसको। हाँ सब रख दो नीचे जगह खाली जगह पे। हाँ
चलो हो गया, बोतल ऊपर आ दो, हाँ खिड़की पर, हाँ छोड़ दो। सब खाना खा रहे हैं और इधर कुछ सो भी गए, इधर मम्मी खाना खा रही है। धीरे धीरे लगता है जो ठीक हो जाएगा दवा दे। इतना रात होने के बावजूद भी हमको थोड़ा नींद ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी रात ही नहीं हुआ है, सब आराम से सो गए। मतलब होता है ना, खुशी से आदमी को थोड़ा सही हो जाता है, बस वही चीज़ हमारे अंदर में है। दोस्तों रात्रि के 12:30 बजने वाले हैं और लगभग सब कुछ सो गए घर में, रूबी को अभी तक नींद नहीं आया है। पानी चल रहा है ना तो ये वो जाकर दिखना पड़ता है, कहीं पानी ख़त्म हो जाए तो फिर बोलना पड़ेगा ना सिस्टर लोग को फिर पानी चढ़ाएगी, इसलिए 12:30 बजे सो गए हैं। तो खल दीदी सब सो रहे हैं तो खल हम स्टेट में कुछ बोले घर में दोस्तों, अभी तक तो सब सही हुआ, किसी तरह से कोई और दिक्कत नहीं है, बस आप सभी का दुआ काम किया। इसी तरह से आप सब ना दुआ बनाए रखें और ढेर सा आशीर्वाद दें छोटे बेबी के लिए, और बस जिस तरह से हम लोग झेले थे ना थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके, आज हमें पता चला कि हाँ वो हमारा सफल हुआ। नहीं तो जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहा था ना, हम लोग बहुत नर्वस आ गए थे, एकदम डर सा सही बन गया था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन चलिए कहते हैं जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, बस वही है। बाकी सब ठीक है, लेकिन बस पानी चल रहा है उसी के चलते हम सो नहीं पा रहे हैं, और सब लोग जगे हुए हैं, उन लोग को थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो आराम मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेबी के लिए ढेर सा आशीर्वाद दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।